Alright friends, now you take if the transfer price is based on market value or if the transfer pricing is based on total cost plus shared profit. If you take example, आप example लीजिए, suppose Pepsi and Coca-Cola, right? उनके दो division होते हैं, एक bottle division होता है और दूसरा उनका suppose liquid division होता है. तो बोटल डिवीजन क्या करेगा, बोटल बना के लिक्विड डिवीजन को देगा, लिक्विड डिवीजन उसमें लिक्विड डालेगा और कस्टमर को सेल करेगा. अब अगर दोनों का परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है आपको, या सपोज इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, सेपरेट कॉस्ट सेंटर है डिवीजन, और आपको ईच डिवीजन का परफॉर्मेंस देखना है बराबर, तो आपको ईच डिवीजन का प्रॉफिट पता करना पड़ेगा. और जब आप प्रॉफिट पता करेंगे तो आप कैसे पता करेंगे, ये आपको देखना है. ओके, सो जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड पेज नंबर 6.15. क्वेश्चन नंबर 11 एंड पेज नंबर 6.15. क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 6.15 मिला फ्रेंड्स आपको. एसवी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बेसिकली फ्रॉम द सीरीज ऑफ मिक्सिंग ऑपरेशन. द फिनिश प्रोडक्ट इज पैकेज्ड इन द कंपनी मेड ग्लास बोटल्स एंड पैक्ड इन ए अट्रैक्टिव कार्टून्स. द कंपनी इज ऑर्गेनाइज इन टू टू इंडिपेंडेंट डिवीजन. इंडिपेंडेंट डिवीजन, प्लीज अंडरलाइन दैट, इंडिपेंडेंट डिवीजन्स. वन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड अदर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बोटल्स. एक एंड प्रोडक्ट के लिए और एक ग्लास बोटल्स के लिए. द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कैन बाय ऑल द बोटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बोटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. द जनरल मैनेजर ऑफ द बोटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हैज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग कोटेशन फ्रॉम द आउटसाइड मैन्युफैक्चरर ऑफ द सप्लाई ऑफ द एम्प्टी बोटल. एग्जैक्टली सेम सम आपके ICI के लेटेस्ट मॉड्यूल में भी दे रखा है. ओके, वो भी रेफरेंस में आपको देता हूँ, पहले ही मैं ये करा लेता हूँ, और ICI वाला जो मैंने सॉल्व किया है उसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना. नंबर ऑफ एम्प्टी बोटल्स 8 लैक्स 12 लैक्स, टोटल परचेज वैल्यू 14 लैक्स 20 लैक्स. अ कॉस्ट एनालिसिस ऑफ द बोटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एम्प्टी बोटल्स रिवेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्शन कॉस्ट. नंबर ऑफ एम्प्टी बोटल्स 8 लैक्स 12 लैक्स 10 लैक 40,000 14 लैक 40,000. द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू ऑफ द एंड मार्केटेड बाई द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन आर एच अंडर. वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट 8 लैक 12 लैक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग एम्प्टी बोटल्स. लास्ट सम में अपन ने इंक्लूडिंग था, ये जरा ध्यान रखना, अंडरलाइन करो, एक्सक्लूडिंग में तो बोटल अलग है. सेल्स वैल्यू 91 लैक 20,000 एंड 127 लैक 80,000. देर हैज बीन कंसिडरेबल डिस्कशन एट द कॉर्पोरेट लेवल टू यूज द प्रॉपर प्राइस फॉर द ट्रांसफर ऑफ एम्प्टी बोटल फ्रॉम बोटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. द इंटरेस्ट हैंडलेबल बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डिविजनल मैनेजर सैलरी इज एन इंसेंटिव बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट. यही मैंने आपको बताया था, ये आपको कहाँ पे मेन काम आएगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस में, ROI, RI जो था ना, यहाँ पे इंडिविजुअल डिविजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिविजन परफॉर्मेंस. एट द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द प्रॉपर ट्रांसफर प्राइसेज फॉर सप्लाई ऑफ एम्प्टी बोटल्स बाय द बोटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द टू लेवल ऑफ वॉल्यूम, 8 लैक एंड 12 लैक बोटल्स. द प्रॉफिटेबिलिटी बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू और शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट इन्वॉल्व बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस. द प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन शुड बी फर्निश सेपरेटली फॉर द टू डिविजन्स एंड द कंपनी एज ए होल अंडर ईच ऑफ द मैटर. दिस कट ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ दीज मेथड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिविजन्स. सही है, सुनो फ्रेंड्स. ऑल राइट, आपसे पूछा क्या गया है, द प्रॉफिटेबिलिटी बाय यूजिंग मार्केट प्राइस एंड शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट. ओके, प्रॉफिटेबिलिटी आपको बताना है.
यू आर रिक्वायर्ड टू शो द टू लेवल ऑफ वॉल्यूम 8 लाख 12 लाख द प्रॉफिटेबिलिटी बाई यूजिंग मार्केट और शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू दिस प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन शुड बी फर्निश सेपरेटली फॉर टू डिविजन्स एंड कंपनी एज ए होल. आपको कंपनी का भी बताना है और टू डिविजन्स का भी बताना है, ठीक है. तब आप आ जाइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से करिए, वेरी नाइस सम. ओके, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, दिस इज योर आंसर नंबर वन. दिस इज योर आंसर नंबर टू. आंसर नंबर वन, आंसर नंबर टू. इफ ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्लस शेयर्ड प्रॉफिट. एट लैक्स देन 12 लैक्स 8 लैक्स एंड 12 लैक्स. ओके, दिस इज नंबर्स. फर्स्ट इज ए बोटल डिवीजन. ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू, अब ट्रांसफर प्राइस क्या है आपका, मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो सेल्स वैल्यू है, जो आपका सेल्स वैल्यू है मार्केट में. अगर ऐसी बोतल आप परचेज करने जाते हो तो क्या दे रखा है, परचेज प्राइस ऑफ द टोटल परचेज वैल्यू ऑफ बोतल सेल्स फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड. देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपका क्या आ रहा है, 10 लैख 40 थाउजेंड. दिस इज द परचेज वैल्यू इज 20 लैक्स. ओके, और इसका 14 लैख 40 थाउजेंड. सही है सोना, ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, इट मीन्स 1400 माइनस 1040 360 2000 माइनस 1440 560. ओके ओके, नाउ यू गो टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, राइट. सेकेंड आपका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. सही है सो नो फ्रेंड्स, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. ये आपका प्रॉफिट आ गया 360 एंड 560. नाउ यू गो
8 लाख नंबर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू द क्वेश्चन ओनली ना, उनके नीचे ही आ जाएगा अपना ना। ओके अपना प्रॉफिट क्या आया था 360 एंड 560, इट मीन्स ए का प्रॉफिट 360 एंड 560, नाउ यू कंटिन्यू द सेम। आपका प्रॉफिट यहाँ पे आ गया था 360 एंड 560, प्रॉफिट एंड लॉस ए आपका आ गया था डिवीजन का, नहीं नाउ मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन आपका नेक्स्ट आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन सेल्स, व्हाट इज द सेल्स 9120 127 80 minus manufacturing cost, पहले आप ट्रांसफर प्राइस ले लो, उसका ट्रांसफर प्राइसिंग अपने लिए कॉस्ट बन जाएगा ना फ्रेंड्स, ट्रांसफर प्राइस 14 lakhs 20 lakhs and manufacturing cost 64 80 96 80, B profit and loss 9120 minus 1400 minus 6480 12,40,000 12,780 minus 2000 minus 9680 11 lakhs total profit and loss A plus B 360 plus 1240 is 16 lakhs 560 plus 1100 is, ये आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एच पर, ये आपको क्लियर हुआ कि ओके, ये आपका क्या था ट्रांसफर प्राइस, इफ इट इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू तो पहला आपका 8 लाख एंड 12 लाख का आपको करना है बोटल डिवीजन, बोटल डिवीजन में ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग जो परचेज वैल्यू आपका था, जो परचेज वैल्यू है वो आपको लेना है, आपने परचेज वैल्यू ले लिया उसमें से कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके उसके बाद आप जाइए मैन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में, सेल्स आपको दे रखा है ओके, ट्रांसफर प्राइसिंग, उनका ट्रांसफर प्राइसिंग अपने लिए कॉस्ट बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग बोटल कॉस्ट है वो आप माइनस कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा इज ए प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज ए टोटल प्रॉफिट। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी ICI मॉड्यूल की नहीं है, आपके पास ICI में जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके पास अगर मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो प्लीज़ व्हाट्सअप मी 9820030925, मैं आपको मटेरियल भेज दूंगा। सही है सुनो परफेक्टली क्लियर हो नोट, ठीक है अब आप आ जाइए, अब ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, सेकेंड शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू कॉस्ट, तो आपको नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, इट मीन्स नोट नंबर 1 ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू कॉस्ट
प्लस कॉस्ट प्लस शेयर्ड प्रॉफिट, ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस शेयर्ड प्रॉफिट। ओके, आपका क्या क्या है, 8 लाख नंबर्स, 12 लाख नंबर्स, सेल्स वैल्यू, क्या आपका सेल्स वैल्यू था 91 लाख, 20,000, 127, 80,000, देन बोटल कॉस्ट, बोटल कॉस्ट है आपका 10,40,000, 14,00,000, 14,40,000 बोटल कॉस्ट हो गया आपका, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप ले लीजिए 6,480 एंड 9,680, ये आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, 9,120 माइनस 1040 माइनस 6,480 इज 16 लैक्स, 127,80 माइनस 1440 माइनस 9,680 16,60, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट। ओके, सबसे पहले आप जरा देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, नंबर टू, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू कॉस्ट, कॉस्ट के रेशियो में आपको प्रॉफिट को शेयर करना है, तो प्रॉफिट दोनों ने मिलकर कितना कमाया ये, और दोनों का कॉस्ट क्या है ये, इसका मतलब ये सबसे इजी है कि भाई देखो अपने को पता नहीं चल पा रहा है, अपने को पता नहीं चल पा रहा है कि अपना क्या पोजीशन है, 8 लाख पे हम लोग ने प्रॉफिट ये कमाया है, 12 लाख पे हम लोगों ने प्रॉफिट ये कमाया है, इसका मतलब ये प्रॉफिट को ये कॉस्ट के रेशियो में, कॉस्ट के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट का रेशियो, इट मींस टेन लैख फोर्टी 6,480, 1,440, 9,680, ये रेशो में हम डिवाइड करेंगे, इट मींस 16 लैक्स को ये रेशो में डिवाइड करेंगे, तो ये आता है 1040 प्लस 6,480, इट मींस 7,520, 16 लैक्स डिवाइडेड बाई 7,520 इंटू 1,040, 221,276, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है उसको इस रेशो में, कॉस्ट के रेशो में हम लोग एलोकेट कर देंगे, कॉस्ट, कॉस्ट के रेशो में। ओके, इट मीन्स टोटल प्रॉफिट था 16 लैक्स माइनस 221,276, 1,378,723, तो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा, इट मीन्स 1040 प्लस 221,276, 16,260,000 से 1,385,036 आपका आ जाएगा, इट मींस
16,60,000 से 214,964 इज 1445,036 ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 14,40,000 प्लस 214,964 इज 16,54,964 ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा इज 1,261,276 मतलब सिंपली अपन ने क्या किया कि ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू योर कॉस्ट प्लस शेयर्ड प्रॉफिट आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,660 और आपका कॉस्ट ये था इस रेशो में हम लोगों ने एलोट कर दिया ये आ गया कॉस्ट प्लस शेयर्ड प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा ट्रांसफर प्राइस आपका ट्रांसफर प्राइस रहा 1,261,276 कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10,40,000 एंड 14,40,000 1,621,276 minus 10,40 is 221,276 16,54,964 minus 14,40 is 214,964 5,60,000 3,60,000 परफेक्टली क्लियर होना अब आप आ जाइए नेक्स्ट सेल्स सेम रहेगा आपका 91,20,127,80 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका सेम रहेगा 64,80,000 एंड 96,80,000 ट्रांसफर प्राइस आपका 1,261,276 एंड प्रॉफिट 214,964 91,20 minus 1,261,276 minus 6,480 प्रॉफिट 1,628,724 plus 221,276 is 1,378,724 plus 221,276 plus 1,378,724 is 16 lakhs प्रॉफिट तो आपका ऑब्वियसली सेम आएगा राइट ये और ये प्रॉफिट हमेशा आपका सेम रहेगा 1,660 आना चाहिए ये भी 1,258,16,54,964
1278 40 1278 -16 54 964 9680 1445 036 +214 964 16,60,000 ये आपका आ जाएगा 16,60,000 सही है सर एकदम आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स आप मुझे बताइए एक एक पार्ट आपको पहला हम लोगों ने क्या ले लिया मार्केट वैल्यू जो परचेज प्राइस था दूसरा हम लोगों ने निकाला कैसे निकाला कि यू टेक द टोटल सेल्स वैल्यू टोटल उसमें से बोतल का कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट हुआ उसको इस कॉस्ट के रेशियो में ये कॉस्ट के रेशियो में हम लोगों ने एलोकेट कर दिया भैया तू तेरा कितना कॉस्ट है तू ले ले मेरा कितना कॉस्ट है मुझे दे दे और काम हो जाएगा सही है सुनो और काम अपना हो जाएगा परफेक्ट क्लियर ओके अब ये क्या पूछ रहा है द प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन शुड बी फर्निस्ड सेपरेटली फॉर द टू डिविजन एंड द कंपनी एज ए होल अंडर ईच मेथड डिस्कस ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ दीज मेथड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू डिविजन्स तो मैंने क्या कमेंट में लिखा है द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट इफ द ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू इफ द ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू इफ द ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू इफ द ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू देन द मार्केट वैल्यू देन द प्रॉफिट ऑफ बोतल डिवीजन विल इंक्रीज देखो बोतल डिवीजन का प्रॉफिट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का डिक्रीज हो रहा है एंड इफ द ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट देन द प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल इंक्रीज एंड बोतल डिवीजन विल डिक्रीज सही है सुनो फ्रेंड्स परफेक्टली क्लियर हो यहाँ पे इसका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है सही है सुनो फ्रेंड्स परफेक्टली क्लियर और नॉट आप मुझे बताइए एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने ICI का जो मॉड्यूल है उसको भी हमने अपने फॉर्मेट में सॉल्व किया हुआ एक एक सम ICI मॉड्यूल का हमने ट्राई किया है अपने फॉर्मेट में सॉल्व करने का तो पेज नंबर उसमें आप 8.1 निकालिए आप पेज नंबर 8.1 निकालिए आपके पास ICI का मॉड्यूल DKC फॉर्मेट में होना चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे से मांग सकते हैं ICI मॉड्यूल में ये है आपका एग्जाम्पल एक आपको दे रखा है एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है सेम फॉर्मेट है एंड दिस इज योर पेज नंबर 8.1 आपका पेज नंबर 8.1 मार्केट प्राइस एंड शेयर्ड कंट्रीब्यूशन मेथड ये मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉर्नफ्लेक्स हैज टू डिविजन्स ये वाला ये पूरा मैंने सॉल्व किया है अगर आपके पास ICI का मॉड्यूल नहीं है तो प्लीज आप मेरे से ले लीजिए राइट यानी ICI का सारे चैप्टर्स को अपने फॉर्मेट में डाल के सॉल्व किया हुआ है उसका फॉर्मेट बनाया हुआ है ओके तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे से वो ले सकते हैं सही है सुनो फ्रेंड परफेक्टली क्लियर होना ओके तो वहां पे ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए और इस एग्जाम्पल को भी एग्जैक्टली इन द सेम थिंग आप आगे भी आप देखिए मॉड्यूल के सारे सम्स को आप देख लेना वो अपन ने ICI मॉड्यूल के हिसाब से अपन ने DKC फॉर्मेट के हिसाब से पूरा सॉल्व किया हुआ है सही है सुनो ICI मॉड्यूल के हिसाब से अपन ने सॉल्व किया हुआ है तो उसको भी आप बाद में देख लीजिए ओके अब आ जाइए फ्रेंड्स आपको और एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पेज नंबर 6.17 क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 6.17 ए कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईडेबल ऑयल ए कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईडेबल ऑयल इट हैज 3 डिविजन्स एज अंडर हार्वेस्टिंग ऑयल सीड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन देयर ऑफ टू द ऑयल मिल
ऑयल मिल विच प्रोसेस ऑयल सीड्स एंड मैन्युफैक्चर इडिबल ऑयल, एंड देन मार्केटिंग डिवीजन विच पैक्स द इडिबल ऑयल इन 2 kg कंटेनर्स फॉर द सेल एट द रेट ऑफ 150 ईच कंटेनर। इसका मतलब पहले अपन गिवन करके लिख लेते हैं, गिवन। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ए ए कंपनी, ए कंपनी। ओके, उसके 3 डिवीजन है, एक कंपनी है और उसके 3 डिवीजन्स है। एक है आपका, फर्स्ट इज ए हार्वेस्टिंग डिवीजन, हार्वेस्टिंग डिवीजन, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है, हार्वेस्टिंग डिवीजन। दूसरा है आपका ऑयल मिल डिवीजन और तीसरा है आपका मार्केटिंग डिवीजन। ए कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इडेबल ऑयल, ए कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इडेबल ऑयल, इट हैज 3 डिविजन्स इज एज अंडर हार्वेस्टिंग, ऑयल मिल, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल मिल विच इज प्रोसेस टू ऑयल सीड्स एंड मार्केटिंग। द ऑयल मिल हैज ए यील्ड ऑफ 1000 kg ऑफ ऑयल फ्रॉम 2000 kg ऑफ ऑयल सीड्स ड्यूरिंग द पीरियड। द मार्केटिंग डिवीजन हैज ए यील्ड ऑफ 500 cans ऑफ इडेबल ऑयल ऑफ 2 kg ईच फ्रॉम एवरी 1000 kg ऑफ ऑयल, द नेट वेट पर कैन इज 2 kg। इट मीन्स इसका आउटपुट है 2000 kg, बराबर ये इनपुट डालेगा 2000 kg और उससे तेल निकालेगा, इट मीन्स आउटपुट आपका रहेगा 1000 kg। ओके, इसका आपका इनपुट हो जाएगा, ये आपका इनपुट हो जाएगा 1000 और आपको कैंस बन के तैयार हो जाएंगी 500 at the rate of 2 kg। एक कंपनी है, क्या बोल रहा है, ए कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इडेबल ऑयल, इट हैज 3 डिविजन्स एज अंडर हार्वेस्टिंग ऑफ ऑयल सीड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन देयर ऑफ टू द ऑयल मिल, ऑयल मिल विच प्रोसेस ऑयल सीड्स एंड मैन्युफैक्चर इडेबल ऑयल, मार्केटिंग डिवीजन विच पैक्स द इडेबल ऑयल 2 kg कंटेनर्स फॉर द सेल ऑफ 150। ये 2000 kg अपन को देगा, वो हमारे लिए इनपुट होगा, उससे हम तेल निकालेंगे 1000 kg, ये मार्केटिंग डिवीजन 1000 kg को पैक करेगा 2 kg के कार्टून्स में। ओके, द ऑयल मिल हैज ए यील्ड ऑफ 1000 ऑफ ऑयल फ्रॉम 2000 kg ऑफ ऑयल सीड्स ड्यूरिंग द पीरियड। द मार्केटिंग डिवीजन हैज ए यील्ड ऑफ 500 cans ऑफ इडेबल ऑयल 2 kg ईच फ्रॉम एवरी 1000 kg ऑफ ऑयल, द नेट वेट पर कैन इज 2 kg ऑफ ऑयल। द कॉस्ट डेटा फॉर ईच डिवीजन फॉर द पीरियड आर एज अंडर हार्वेस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या है, 2000 × 2.5 = 5000, देन फिक्स कॉस्ट आपका 2000 × 5 = 10000।
ऑयल मिल वेरिएबल कॉस्ट 10, इट मींस वेरिएबल कॉस्ट 1000 इंटू 10, 10,000 एंड 1000 इंटू 7.5, 7,500 वेरिएबल कॉस्ट, 500 इंटू 3.75, इट मीन्स 500 इंटू 3.75 इज 1875 एंड 500 इंटू 8.75 इज 4375। ओके, द फिक्स कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ 2000 केजी ऑफ ऑयल। इसका मतलब ये बेस्ड ऑन आउटपुट है 1000 केजी ऑफ प्रोसेस्ड ऑयल एंड 500 केजी ऑफ ईटेबल ऑफ द पैक्ड एफोरसेड डिवीजन रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। द अदर ऑयल मिल बाई ऑयल सीड्स द सेम क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 12.5। इसका मतलब इसका मार्केट वैल्यू हो गया, इट मींस मार्केट वैल्यू आपका हो जाएगा 2000 इंटू 12.5, 2000 इंटू 12.5 इज 25,000 एंड द मार्केट प्राइस आपका क्या है 62.5, 1000 इंटू 62.5, 62,500 एंड 500 इंटू 150, 500 इंटू 150 इज 75,000। सही है, सुनो 500 इंटू, ये आपको ये बताइए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं। पहले क्या करने का, जो भी आपके पास क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है पहले आप उसको गिवन करके लिख लीजिए। अगर आपने गिवन करके लिख लिया तो आपका काम हो जाएगा। पहले आप गिवन करके लिख लीजिए कि भाई क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। अगर आपने वो गिवन करके लिख लिया तो आपका काम हो जाएगा। इट मीन्स ए कंपनी, दिस योर क्वेश्चन नंबर 12, उसके तीन डिवीजन है, हार्वेस्टिंग है, ऑयल मिल है, मार्केटिंग डिवीजन है। आउटपुट 2000, इनपुट 2000, उससे आउटपुट 1000, इनपुट 1000, उससे 500 कैंस। वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ऑन आउटपुट, फिक्स कॉस्ट बेस्ड ऑन आउटपुट, मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड मार्केट। ये आपको गिवन करके हो गया। अब आपको क्वेश्चन को रीड करने की ज़रूरत नहीं, अब आपको क्वेश्चन को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का सब कुछ आपको दे रखा है, आपको सिर्फ रीड करने की जरूरत नहीं। आर यू फॉलोइंग ऑन ऑफ, क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं। नंबर वन, कंप्यूट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ हार्वेस्टिंग 2000 केजी ऑफ ऑयल सीड्स, प्रोसेसिंग इट इनटू द ईटेबल ऑयल एंड सेलिंग द सेम 2 केजी, कैन एन एस्टिमेटेड ऑफ द पीरियड अंडर रिव्यू। ओके, आपको निकालना है कंप्यूट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। आपको डिविजन्स का कुछ लेना देना नहीं है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट आपको निकालना है। इट मीन सबसे पहले आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ए सेल्स, व्हाट इज योर सेल्स 75,000। बी वेरिएबल कॉस्ट, नाउ व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट 5000, 10,000, 1875।
प्लस 10 प्लस 1875 5 प्लस 10 प्लस 1875 इज 16875। ये आपका क्या आ जाएगा, इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस 75 इज 58125 लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज 10750 4375 10750 प्लस 4375 21875। प्रॉफिट एंड लॉस 58125 21875 36250 परफेक्टली क्लियर होगा आपका। सेल्स आ गया, सेल्स में से यू माइनस द वेरिएबल कॉस्ट आपका, ओके आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन से यू माइनस द फिक्स कॉस्ट और आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस। कंप्यूट द ओवरऑल प्रॉफिट, कंप्यूट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी of harvesting 2000 kg of oil seeds, processing it into edible oil and selling the same in 2 kg cans as estimated for the period under review. Number 2, compute the transfer price that will be used for internal price from 1. harvesting division to oil mill, oil mill division to marketing under the following pricing method. Shared contribution in relation to वेरिएबल कॉस्ट आपको किस हिसाब से करना है, शेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब दिस इज योर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 एंड पार्ट वन, आंसर नंबर 2 पार्ट वन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस एंड विच इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस विच इज बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। पहले अपन ने लिया दिस इज योर सेल्स, सेल्स से यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन और व्हाट इज योर सेल्स 75, व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट 16875, 75 लेस 16875 58125, ओके एंड 58125 को यू एलोकेट इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इट मींस हार्वेस्टिंग ऑयल मिल एंड मार्केटिंग,
what is the variable cost? The variable cost is 5000 is to 10,000 is to 1875. 5000 plus 10 1875 16875 58125 divided by 1675 into 5000 is 17 is 17222. This is your contribution into 17222 plus 34444 minus 58125 6459. Okay, अब आप आ जाइए. This is your statement showing transfer price. पहला harvesting, then oil mill, and then marketing. Variable cost 5000, contribution 17222, variable cost plus contribution equal to transfer price 22222, variable cost 10,000 plus 22222. ये जरा ध्यान रखना, इसका जो ट्रांसफर प्राइस है, इसका जो ट्रांसफर प्राइस है, ये जो ट्रांसफर प्राइस है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट. बच्चे लोग यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं. इसका जो ट्रांसफर प्राइस है, इसका जो ट्रांसफर प्राइस है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट. ओके, प्लस 34444 10,000 22222 plus 34444 66666 plus इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या था? 1875. वेरिएबल कॉस्ट था 1875 66666 प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन 6459. इट मीन्स 1875 66666 6459 is 75. सही है, सुनो. तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? कंप्यूट द ट्रांसफर प्राइस दैट विल बी यूज्ड फॉर इंटरनल ट्रांसफर हार्वेस्टिंग डिवीजन टू ऑयल मिल, हार्वेस्टिंग टू ऑयल मिल टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग टू कस्टमर. नंबर टू, आपको क्या बोला? शेयर्ड कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट. एंड दूसरा आपको बोला मार्केट प्राइस. मीन्स नंबर टू है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है. इट मींस हार्वेस्टिंग ऑयल मिल मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग ऑयल मिल एंड मार्केटिंग रिफर नोट नंबर वन. It means 25,062,575
एंड 75,000। ये तो मार्केट वैल्यू तो अपन को दे ही रखा था ना, डायरेक्टली अपन ने कैलकुलेट किया था मार्केट प्राइस दे ही रखा था ना, 12.5, 62.5। विच ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड विल ईच डिविजनल मैनेजर प्रेफर, जिसको जिसमें ज़्यादा मिलेगा वो यूज करेगा। मैंने थर्ड आपको हार्वेस्टिंग मार्केट प्राइस करेगा और ऑयल मिल वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन आपका करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए एक एक पार्ट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यू प्लीज टेल मी परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक एक पार्ट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए। परफेक्टली आपको एक एक पार्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है।